यार आज नींद अच्छे से नहीं हुआ। ओ तेरे एप्पल वॉच में रिकॉर्ड होता है ना स्लीप का, चेक कर। हाँ रुक इसके स्टैट्स चेक करता हूँ। यार इसमें तो दिखा रहा है कि मैं ऑलमोस्ट 8 घंटा सोया हूँ, लेकिन लगता तो नहीं है। और इसने ये प्रॉपरली कैप्चर भी नहीं किया। अभी इसमें यहाँ पे दिखा रहा है मुझे कि मैं 6 से 8 बजे तक भी सोया था कल शाम को। ओह 6 से 8 कहाँ सोए? हाँ लेकिन चल इसमें और कुछ फीचर्स है जो थोड़े ठीक है। जैसे अगर ये बताता भी है कि स्लीप टाइम में मेरा हार्ट रेट कैसा था, मेरा वीकली एवरेज स्लीप टाइम कितना है, तो कुछ फीचर्स तो अच्छे दिखा रहा है। बट तुझे पता है क्या फिटबिट में तो बहुत डिटेल में दिखाता है। हाँ। तुझे बताओ फिटबिट में कैसा है? ओके। देख मेरा रिकॉर्ड हुआ है। अब यहाँ पे देख ये स्कोर मेनली बता रहा है कि तुम अच्छे से सोए या नहीं आज के सेशन। फिर टाइम तो बता रहा है बट ये देख ग्राफ पूरा जब से सोए उठने तक का, कैसे सोए में कितना परसेंटेज लाइट स्लीप में थी, कितना परसेंटेज डीप स्लीप में थी, ये सब बताता है। और ये तो काफी अच्छे फीचर्स है फिर फिटबिट में, ये तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। चलो फिर आज कुछ एक्सरसाइज किया जाए। ओके क्या कर रहा है? ओ कुछ नहीं, मैं मेरे ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए रेडी हो रहा हूँ। इसमें कैसे? हाँ इसमें काफी इजी है। इसमें एक ब्रीद ऐप है, वो ओपन करना है, जस्ट क्लिक ऑन स्टार्ट और बस उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। तो ये तुम्हें बताता है कि कब इनहेल करना है और कब एक्सहेल करना है। और ये टोटल 1 मिनट का एक्सरसाइज है। ये जब भी इनहेल करना है तो तुम्हारे हाथ पे वो वाइब्रेशन दे देता है, तो तुम आंख बंद करके भी इसको फॉलो कर सकते हो। इट इज दैट इजी। तो ये लो मेरा 1 मिनट का एक्सरसाइज हो गया। और ये इसमें मुझे 1 मिनट की समरी भी देता है कि मेरा हार्ट रेट क्या था। तो आज ब्रेकफास्ट में क्या है? स्मूदी। ओह चलेगा। चलो शिलू एप्पल कहाँ पर? मैं कट करके रख देता हूँ। पहले हैंड वॉश कर लेना फिर चॉपिंग करते हैं। ठीक है। अरे ये इसमें कुछ टाइमर चालू हो गया। ओह हाँ ये हैंड वॉश का एक नया फीचर आया है इसमें, तो 20 सेकंड तक का तेको टाइमर देगा वो। ओह सही है। तो अभी के करंट सिचुएशन में तो काफी अच्छा है। तो ये मुझे बताएगा कि मैंने 20 सेकंड तक हाथ धोए या नहीं धोए। करेक्ट। और तुझे पता है क्या, अगर तू बाहर का हम लोग कहीं गए हैं और फिर हम घर पे आ रहे तो तुझे रिमाइंडर भी देगा अगर तूने रिमाइंडर इनेबल किए कि तू हैंड वॉश कर ले। ओह ये तो काफी अच्छा फीचर है। चलो स्मूदी बनाता है। कितना आवाज है, मेरे कान दुखने लग गए। हो गया इतने से कुछ नहीं होता है। चल क्या कुछ नहीं होता है, रुक मैं तुझे बताता हूँ कि क्या हो सकता है। ये देख अपने एप्पल वॉच में एक फीचर है नॉइज डिटेक्शन का। अच्छा। तो ये ऐप नॉइज ऐप ओपन करना। अभी ये ग्रीन में दिखा रहा है, इसका मतलब कि ये वॉल्यूम वेरिएबल है। अच्छा। अभी तू मिक्सर चालू कर फिर से। हाँ ओके। ये 90 के ऊपर गया था और ये येलो में आ गया था। इसका मतलब है कि इससे तुम्हारे कान को डैमेज हो सकता है। और अगर वही उसके बारे में अगर तुम्हें डिटेल देखना है तो लर्न मोर पे क्लिक करना और वो पूरा डिटेल बता देता है कि कितने वॉल्यूम पे कितने देर तक अगर तुम सुनते हो तो तुम्हारे कान को डैमेज हो सकता है। तो मिक्सर का कितना आ रहा है? तो वो ऑलमोस्ट हो गया था 90 डेसिबल तक। और अगर मैं 90 डेसिबल 30 मिनट तक सुनता हूँ या उससे ज्यादा सुनता हूँ तो मेरे कान डैमेज हो सकते है। लो जी स्मूदीज रेडी। थैंक यू। ये तो ऑक्सीमीटर लाने वाला था, क्या हुआ? लेके आ गया। ये क्या? ये कौन सा ऑक्सीमीटर है? अरे तुझे पता नहीं है, ये अपना नया ऑक्सीमीटर है। कैसे? अभी एप्पल वॉच सीरीज 6 में इन्होंने ये नया फीचर दिया कि तुम एप्पल वॉच से ही तुम्हारा ऑक्सीजन लेवल कैलकुलेट कर सकते हो। और ये काफी सिंपल है। ये जो ऑक्सीजन, ये एक ऐप है, ये बस ओपन करना है और बस इसको स्टार्ट करके 15 सेकंड के लिए एकदम स्टिल रहना, तो ये आपका ऑक्सीजन लेवल कैलकुलेट करके आपको बता देता है। ओह वाह सही है। ये तो हाँ, फिर कहीं भी लेके जा सकते हैं। ये कहीं पे भी। और ये जो भी डेटा कैलकुलेट होता है वो तुम्हारे हेल्थ ऐप में तुम आईफोन पे कभी भी देख सकते हो। तो ये कैसे कैलकुलेट कर रहा होगा? अभी जैसे अपना ऑक्सीमीटर सेंसर से कैलकुलेट करता है राइट, तो वैसे ये एप्पल वॉच के पीछे जो सेंसर है वहाँ से इंफ्रारेड लाइट से ये ब्लड ऑक्सीजन लेवल कैलकुलेट करता है और बता देता है। और इसमें और एक फीचर है जो मुझे काफी पसंद है, अभी तुम यहाँ से ECG भी ले सकते हो। हाँ, हाँ उसका भी ऐप बना दिया। हाँ एकदम इजी। बस ये ऐप ओपन करना है और ये क्राउन पे सिर्फ टच करना है और 30 सेकेंड के लिए स्टेबल रहना। और वो तुम्हारा ECG ले लेता है, तो स्टेबल तो रहे। पूरा ग्राफ आ रहा है मस्त। मेरे ख्याल से तो ये एकदम एक्यूरेट नहीं होगा, हाँ। लेकिन जब भी कभी तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो सकता है, हाँ। तो तुम वो टाइम पे ECG लेके वो डेटा जब तुम डॉक्टर के पास जाके उनको दिखा सकते हो तो शायद कुछ बेनिफिट हो सके। और ये लो 30 सेकंड्स के बाद तुम्हारा ECG आ गया। और सेम वे तुम्हारा जो हेल्थ ऐप है आईफोन पे, तो यहाँ पे ये वहाँ पे ये डेटा सेव हो जाता है। इसमें और भी दिल की बातें बताता है या हो गया? नहीं और भी है ना, इसमें तुम तुम्हारा हार्ट रेट भी चेक कर सकते हो। तो एकदम सिंपल हमेशा की तरह, बस ये हार्ट ऐप ओपन करना है और बस 3-4 सेकंड रुकना है और वो तुम्हारा हार्ट रेट कैलकुलेट करके तुम्हें बता देता है। ये देख आ गया। हेलो कैसे, क्या फोन उठाया? तेरा फोन तो इधर है। ओह रुक, तुझे एक जादू दिखाता हूँ। मैं तो फोन इससे भी उठा सकता हूँ। ओह ये भी फीचर है, बट हमने तो सेल्यूलर नहीं लिया था ना, वो तो $100 महंगा था इसलिए। हाँ लेकिन इसमें वाईफाई से कनेक्ट कर सकता हूँ, तो अगर मैं वाईफाई के रेंज में रहूंगा तो मैं कभी भी फोन उठा सकता हूँ, मुझे फोन की जरूरत नहीं है। तो $100 बच गए। एक और एक चीज बताता हूँ, वापस से कॉल कर मुझे। देख मैं ऐसे तुझे शांत भी करवा सकता हूँ। अगर कभी भी तुझे फोन आता है और अगर तू कोई मीटिंग में या फिर थिएटर में और तुझे म्यूट पे डालना है तो तुझे फोन बाहर निकाल के म्यूट पे डालने की जरूरत नहीं। अगर मैं बस मेरे से हाथ रख दूं तो कॉल म्यूट हो जाता है। स्मार्ट वॉच, यस। तो आज मौसम थोड़ा अच्छा है तो हमने सोचा कि इसी का फायदा उठाते हुए आज एक रन पे जाते हैं और इसी बहाने हमारे एप्पल वॉच की टेस्टिंग भी हो जाएगी। तो कैसा रहा तेरा रन? अच्छा था काफी। तुझे स्टैट्स दिखाता हूँ। ये देख अपने एप्पल वॉच में एक्टिविटी भी ट्रैक होती है, तो ये एक्टिविटी ट्रैक ओपन किया मैंने और इसमें अभी 3 लाइन्स है, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो जो रेड लाइन है वो दिखाती है कि तुमने दिन में कितनी एक्टिविटी की, मतलब ये हर एक चीज काउंट करती है, जो तुम मूव करते हो, बैठते हो, उठते हो, वो हर एक चीज उसमें काउंट होगा। जो सेकंड चीज है ग्रीन लाइन, वो काउंट करता है तुम्हारा एक्चुअल एक्सरसाइज, लाइक तुम एक्सरसाइज करते हो या जॉगिंग कर रहे हो, तो वो सब चीजें वो काउंट करेगा। और जो ब्लू लाइन है वो काउंट करता है तुम्हारा स्टैंडिंग टाइम, और अगर तुम्हें और डिटेल में जानना है तो बस इसको स्क्रॉल करते जाओ तो तुमको और पूरे डिटेल में वो इन्फॉर्मेशन देगा कि तुमने कितने कैलोरीज बर्न किए, कितने देर तुम खड़े थे, और ये आपको ग्राफिकली भी स्टैट्स दे देता है। और अगर सेम चीज़ अगर और डिटेल में देखना है तो जो अपना फ़ोन पे हेल्थ ऐप है उसमें और इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। और अभी जैसे मैंने जॉगिंग किया तो उसके स्टैट्स अगर मुझे देखना है तो मैं ये आउटडोर रन पे क्लिक करूँगा और ये रन के मुझे पूरे डिटेल्स इसमें मिल जाएंगे। अगर मुझे वीकली समरी देखना है तो बस ये मुझे वीकली समरी पे क्लिक करना है और ये मुझे पूरे वीक के स्टैट्स बता देगा। हो गया। तो चलो अभी ठंड भी काफ़ी बढ़ रही है तो जल्दी से अभी घर जाते हैं। अरे शिलू आज स्नो हुआ तो सनसेट का फोटो काफ़ी अच्छा आएगा। हाँ लेकिन ठंडा भी बहुत है, बाहर जाके कौन फोटो निकालेगा? और बाहर सिर्फ हम लोग कैमरा रख देंगे ट्राइपॉड पे और यहाँ से ही फोटो निकाल लेंगे। लेकिन समझोगे कैसे क्या दिख रहा है क्या नहीं? ओ वो तो हम यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। रुक मैं तुझे एग्जांपल दिखाता हूँ। ओके मेरा फोन दे। तो बस एप्पल वॉच पे ये कैमरा ऐप ओपन करना है और ये डायरेक्टली तेरे फोन का कैमरा एक्सेस कर लेता है। ये फीचर काफी यूजफुल है कि अगर हम लोग बाहर है और हमें हमारा फोन ट्राइपॉड पे लगा के फोटो निकालना है तो बस फोन लगा दो ट्राइपॉड पे और ये अपना एप्पल वॉच से इसका कैमरा एक्सेस कर लो। तो दोस्तों हमने एप्पल वॉच के काफी सारे ऐसे फीचर्स कवर कर लिए कि जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होने वाला है। इसमें और भी फीचर्स ऐसे है कि जो काफी इंटरेस्टिंग है, जैसे फाइंड अ फोन। अगर आपको आपका फोन नहीं मिल रहा और अगर आपको सर्च करना तो इसमें जस्ट एक फीचर है पिंग अ फोन। तो बस आपको इस पे क्लिक करना है और वो आपके आईफोन को पिंग करना चालू करेगा। तो इसमें एक और इंटरेस्टिंग फीचर है फॉल डिटेक्शन। तो अगर आप ट्रैकिंग के लिए गए हैं और वहाँ पे आपके साथ एक्सीडेंट होता है और आप गिर जाते हैं तो आप इस पोजीशन में नहीं है कि आप इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल कर सके, तो एप्पल वॉच ये फॉल को डिटेक्ट करेगा और 1 मिनट तक वो वेट करेगा कि आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर नहीं आपका कुछ रिस्पॉन्स आए तो इट विल कॉल इमरजेंसी सर्विसेज और आपकी लोकेशन भी शेयर हो जाएगी, तो इससे आपको मदद मिल जाएगी ऐसे सिनेरियोज में। और इसके अलावा आप स्विमिंग और इसके लिए भी एप्पल वॉच यूज़ कर सकते हैं बिकॉज वो अलाउ करता है 50 मीटर्स तक का वाटर रेजिस्टेंस। तो लेकिन आप स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग इनके लिए नहीं यूज़ कर सकते। तो हमारे ख्याल से ऑलमोस्ट काफ़ी सारे फीचर्स कवर हो चुके हैं। तो अगर आपको और भी फीचर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमेशा की तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे द पॉकेट कंपास चैनल को, और नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय। एप्पल का मैं धोके रखता हूँ क्या? कट करता हूँ। लग रहा है इतने सारे कैमरे। ओह हो।